ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्मेट जिसको आपको फिल करना है ब्लॉक लेटर्स में, और उसके बाद आपको इसके साथ जो भी रिक्वायर्ड कॉपीज़ है आपके सर्टिफिकेट्स की, अगर आपने सीटेट क्वालिफ़ाई किया है, सीएसबी क्वालिफ़ाई किया है, तो सारे जितने भी स्कोर कार्ड हैं सबकी एक एक जेरोक्स कॉपी इसके साथ आपको अटैच करनी है और उसके बाद आपकी इस नई वैकेंसी के एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो लखनऊ के कई सारे स्कूल्स की वैकेंसी है, आप जिस लखनऊ के जिस पार्ट में रहते हैं या जिस पार्ट में आप जाना चाहते हैं टीचिंग के लिए, आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आप AWS की वेबसाइट से जाकर ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल CSB क्लस्टर लखनऊ की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट फॉर इंटरव्यू, जिन्होंने CSB कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड क्वालिफाई किया है तो उनके टीचिंग स्टाफ रेगुलर बेसिस 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए है। और आपको क्या करना है, CSB एग्ज़ाम जो है 21-22 नवंबर को हुआ था और वहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वही टीचिंग यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ की आई ये देख लीजिए। आपको ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है और आपका जो CSB स्कोर कार्ड होल्डर्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के अंदर आपका इंटरव्यू रहेगा, टीचिंग स्किल होगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। इसके अलावा टेंटेटिव वैकेंसी जो है जितनी भी है वो रेगुलर बेसिस पर ही है, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है। और जो मेल आईडी है यहाँ पे दे रखी है, आप देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन से स्कूल की वैकेंसी है। तो APS डिफरेंट APS हैं, यूपी के हैं। APS SP मार्ग लखनऊ की वैकेंसी है, तो APS SP मार्ग लखनऊ की वैकेंसी है। उसके अलावा APS नेहरू मार्ग लखनऊ की वैकेंसी है, APS LBS मार्ग लखनऊ की वैकेंसी है, APS आगरा की वैकेंसी है। इसके अलावा APS आगरा और फिर APS फैज़ाबाद की वैकेंसी भी है। सो APS फैज़ाबाद की वैकेंसी है, APS कुनरा घाट की वैकेंसी है। और जो डिफरेंट वैकेंसीज आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पर TGT, PGT और PRT की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप स्कूल वाइज देख सकते हैं कि कहीं पर TGT की वैकेंसी है और PGT की है और PRT की है, और PGT की कौन कौन से सब्जेक्ट की है वो आप देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट है और आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। DD किस नाम की बनेगी वो दिया हुआ है कि DD इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल, APS LBS मार्ग लखनऊ, ऐसे ही बाकी में भी दे के रखा है DD इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल SP मार्ग लखनऊ। तो सब लखनऊ की जो वैकेंसी है उसमें अलग अलग लोकेशंस की है। APS आगरा, APS फैज़ाबाद, APS कुनरा घाट की वैकेंसी है जिस जो फिजिकल एजुकेशन, PGT इंग्लिश और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, TGT की स्पेशल एजुकेटर इंग्लिश, इन सब की वैकेंसी है। अब जो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। PGTs के लिए एज़ यूजुअल पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आप क्वालिफाइड होने चाहिए BEd। TGT के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ BEd या फिर इक्विवेलेंट हो सकते हैं। मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए दोनों में, BEd में और ग्रेजुएशन में। अगर जो है इनकेस कैंडिडेट हैज़ नॉट स्कोर्ड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट हैज़ क्वालिफाइड एज पोस्ट ग्रेजुएट विथ सेम मेन सब्जेक्ट एंड स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन PG, तो ऐसे बच्चे वैलिड हैं TGT के लिए। अगर उनका अपने ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन उन्होंने PG किया हुआ है और उसमें 50% या उससे ज़्यादा है। PRT के लिए ग्रेजुएट विथ 2 years DEd या फिर BEd और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए दोनों में। इसके साथ ही क्वालिफाइड होना चाहिए पार्ट ए ऑफ द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, यानी सीएसबी स्कोर कार्ड का पार्ट ए क्वालिफाई होना चाहिए आपको, तभी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद आपको जो है एज आपकी होनी चाहिए एज पर 1 अप्रैल 2021। आपकी एज बहुत ज़्यादा एज है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उसकी एज बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की 57 ईयर्स तक हो सकती है। लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो है 15 जनवरी, याद रखना है। 15 जनवरी 2021 तक आपको ये सबमिट करना है रिस्पेक्टिव स्कूल्स में। तो जिस भी स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी स्कूल्स पे आपको सबमिट करना है, बाय पोस्ट और बाय हैंड, आप जैसे भी सबमिट करना चाहें। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन AWS वेबसाइट एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। तो स्कूल वेबसाइट का एड्रेस यहाँ दे के रखा है www.a। तो मैं आपको इस वेबसाइट पे पहले लेके चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। 100 रुपीज़ की DD एज यूजुअल जो रूल है आपका। और कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 स्कूल इन द क्लस्टर। डेट्स ऑफ इंटरव्यू आर 2 और 4 फरवरी 2021। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है, क्योंकि इंटरव्यू जो है एक ही प्लेस पे होगी, तो आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। 1 स्कूल इन अ क्लस्टर, एक क्लस्टर के सिर्फ एक ही स्कूल के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं आपने सारे स्कूल्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो ये है आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ की वेबसाइट। तो यहाँ पर जाके आपको या तो आप इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर इंटरव्यू, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ ये फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो जस्ट ये 3 सिम्बॉल्स बने हैं, वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा तो ये डाउनलोड सेक्शन में अदर डाउनलोड्स में आपको ये दिख जाएगा इनका एडवर्टाइजमेंट जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। तो ये है दूसरी एपीएस की वेबसाइट जो लखनऊ में ही है, ये सरदार पटेल मार्ग लखनऊ की है। आप इस तरह से इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब आप AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा awsindia.com, जो कि आपको पता है। और यहाँ सबसे ऊपर जो रेड कलर में लिखा है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स के बाद कैरियर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा एक नए टैब में। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है, जिसे आपको फिल करना है। और अपने जितने भी एसेंशियल डिटेल्स हैं, जितने भी एसेंशियल मार्कशीट्स हैं, मार्क्स कार्ड्स हैं, सीएसबी स्कोर कार्ड है, उन सब के साथ आपको स्कूल एड्रेस पे भेज देना है। तो डाउनलोड कर देने के बाद आप उसको प्रिंट निकाल के डाउनलोड करके और फिल करके अच्छी तरह से आपको स्कूल के एड्रेस पे भेजना है। और ये बहुत एक क्लस्टर में कई सारे स्कूल्स एपीएस है यहाँ पे लखनऊ में। तो ये इन सारे के अंदर वैकेंसी है। और इंटरव्यू जो होगी आपको जो आपकी जो डेट रहेगी 2 से 4 के बीच में इन्होंने दिया है, तो उसी रेंज में आपका किसी एक दिन इंटरव्यू होगा। और आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इंटरव्यू में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और जो टीचिंग का जो प्रैक्टिस होगा वो टेस्ट होगा। तो इनके बारे में एक डिफरेंट टेस्ट के बारे में फिर से डिटेल में एक बार बताऊंगी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। जल्दी ही मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन Goodbye and take care. Stay safe. Thanks for watching.